हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती अरुणा तिवारी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 40 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि एक सेक्शन है सेक्शन 124 जो कि ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। अपने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, अपील्स के अंदर, यदि असेसी को असेसमेंट ऑर्डर को ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पर चैलेंज करना है तो सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के मुताबिक असेसी को अपनी ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करने के लिए यह जरूरी है कि जब असेसी को नोटिस मिले तो उस नोटिस के विद इन 30 डेज असेसी उस नोटिस को ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर चैलेंज करे। जनरली यह देखा गया है कि असेसीज का या काफी कुछ केसेस में प्रोफेशनल्स का भी यह मानना होता है कि हम जितना लेट रिप्लाई करेंगे उतना कम असेसिंग ऑफिसर को टाइम मिलेगा, लेकिन ये चीजें उस टाइम में कभी लागू होती हो जब फेसलेस असेसमेंट नहीं थी, जाकर के असेसमेंट करानी होती थी, तो फिर भी इस बात को कहीं ना कहीं माना जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में यदि सबसे ज्यादा जरूरी एसएससी के लिए है तो वो ये है कि वो टाइम पर अपने कंप्लायंसेस को पूरा करे। सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए ये कहती है कि यदि एसएससी को असेसिंग ऑफिसर की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करना है तो नोटिस इश्यू करने के विद इन 1 मंथ इसको चैलेंज किया जाए। इस केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट करने के लिए एसएससी को नोटिस भेजा गया। इस केस में इसमें कोई डाउट नहीं था, फैक्ट्स में यह कोई डाउट नहीं था कि एसएससी की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो वार्ड 41 रायपुर के पास थी, लेकिन जो एसएससी को नोटिस भेजा गया वो वार्ड 42 रेवा से भेजा गया। जब एसएससी को यह नोटिस मिला जो कि एसएससी को वार्ड 42 रेवा से आया था, तो एसएससी ने विद इन 30 डेज असेसिंग ऑफिसर को यह ऑब्जेक्ट किया कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन 42 रेवा में नहीं है, मेरी असेसमेंट 41 रायपुर में होती है और मेरा केस वहां पर ट्रांसफर किया जाए। जब ये लेटर असेसी का 42 रेवा वाले असेसिंग ऑफिसर को मिला तो उन्होंने वो फाइल ट्रांसफर कर दी 41 रायपुर वाली ज्यूरिसडिक्शन में जहां पर असेसी की ज्यूरिसडिक्शन थी। लेकिन असेसमेंट करने की एक जो लॉ है वो ये भी है कि जो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर लिखेगा वही असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देगा। डिपार्टमेंट ने असेसी का केस गलत ज्यूरिसडिक्शन से सही ज्यूरिसडिक्शन में तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहां पे ये जरूरी था कि जब ये केस ट्रांसफर किया गया तो जो दूसरा असेसिंग ऑफिसर है, जो सही असेसिंग ऑफिसर है, जो सही ज्यूरिसडिक्शन है, वो भी असेसी को पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इश्यू करता यदि वो विद इन टाइम लिमिट है। लेकिन इस केस में ट्रांसफर करने के बाद जो कि असेसी का सही ज्यूरिसडिक्शन था 41 रायपुर, उस असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की असेसमेंट कंप्लीट कर दी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इश्यू किए बिना। असेसी ने इसी ग्राउंड पर यह असेसमेंट को चैलेंज किया और आईटीआईटी रायपुर ने यह माना कि जो असेसमेंट ऑर्डर रायपुर वार्ड 41 इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर लिखा है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि वही उसका असेसिंग ऑफिसर है, वही उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन उन्होंने असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया। फ्रेंड्स, इसलिए यह जरूरी है कि जब कभी भी नोटिस आए तो उस नोटिस में जब भी हम अपने रिप्लाई सबमिट करें तो हम इस बात को जरूर लिख दें
कि सब्जेक्ट टू अवर राइट टू चैलेंज द ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 124 विद इन 30 डेज वी आर चैलेंजिंग दिस नोटिस ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो। तो इससे हम सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए का पालन कर लेते हैं और हम ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करने के अधिकार में रहते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती अरुणा तिवारी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 40 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।